अक्सर हमें अपने घरों पर ऐसे सेंटेंसेस सुने पड़ते हैं जहां हमारे बड़े कहते हैं, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो जैसा है वैसा छोड़ दो। यानी जब कोई चीज खराब हो जाती है और हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो घर के बड़े लोग कहते हैं, अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो यह जैसा है वैसे ही छोड़ दो, यानी इसमें ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहां हम कहते हैं कोई चीज जैसे है उसी हाल में छोड़ दो को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। यानी आप कहेंगे लीव इट एट दैट। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह तुम्हारे बस का नहीं है, यह जैसे है वैसे ही छोड़ दो, तो यह सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज बियॉन्ड यू, लीव इट एट दैट। यानी यह तुम्हारे समझ के बाहर है, यह जिस हाल में है वैसे ही छोड़ दो। अगर आपको कहना हो इस पर ज्यादा टाइम मत गुजारो, यह जैसा है वैसे ही छोड़ दो, तो यह सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट स्पेंड टू मच टाइम ओवर इट, लीव इट एट दैट। यानी इस पर ज्यादा टाइम मत गुजारो, यह जैसा है वैसे ही छोड़ दो। अगर आपको कहना हो मैं इसे सही नहीं कर पा रहा था इसलिए यह जैसा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया, तो यह सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज नॉट एबल टू फिक्स इट सो आई लेफ्ट इट एट दैट। यानी मैं इसको सही नहीं कर पा रहा था इसलिए यह जैसा था मैंने वैसा ही छोड़ दिया। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में लीव की जगह पर बोला लेफ्ट, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है और जैसा कि आपको मालूम है पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें किसी चीज को उसी हाल में छोड़ दो जैसा वो है को बोलने के लिए आप कहेंगे लीव इट एट दैट।